प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखकर अफसोस दिवस मनाया। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेसियों ने विरोध करते हुए मौन व्रत रखकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरना दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बेरोजगार आस लगाए बैठा था कि पीएम बेरोजगारी वाले राज्य के लिए रोजगार की सौगात लेकर आएंगे। किसानों को उम्मीद थी कि बर्बरता के खिलाफ प्रधानमंत्री प्रायश्चित के रूप में दो शब्द जरूर कहेंगे। उत्तराखंड सरकार को गन्ने के मूल्य बढ़ाने और बकाया अदायगी के निर्देश देंगे, लेकिन पीएम ने किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। तीर्थ पुरोहितों, चार धाम यात्रा, कर्मचारी, मजदूर, गृहणियों से जुड़े मसलों पर पीएम मोदी ने कोई घोषणा नहीं की। अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। कल ये बहुत ही हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में और इस देवभूमि में पधारे थे, और बड़ी उम्मीदों के साथ हमारा बेरोजगार यह उम्मीद कर रहा था कि निश्चित रूप में रोजगार की पोटली लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आज कुछ हमारे रोजगार के विषय में ऐलान करेंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारे तमाम किसान भाई ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रायश्चित के दो शब्द इस ताज़ा घटना पर जिसमें किसानों की जान ले ली गई, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रायश्चित के रूप में दो शब्द अवश्य कहेंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारे तमाम किसान ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके धामी सरकार को जो गन्ने का पिछला बकाया है वो बकाया देने के लिए निर्देश देंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारे किसान भाई उम्मीद कर रहे थे कि गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी धामी सरकार को निर्देश देंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। और ये तमाम अफसोस, महंगाई को कम करने के लिए कोई बात हम सुन सकें उनके मुखारविंद से, वो नहीं सुनी गई, इसका अफसोस, ये तमाम अफसोस मिलकर आज यहाँ पर अफसोस के रूप में मनाने के लिए हम सबको विवश करता है। हमने यहाँ पर यह अफसोस मनाया, और ये अफसोस सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारे पूरे उत्तराखंड के वो तमाम लोग जो उम्मीदों का पिटारा लेकर पिछले कई दिनों से ये उम्मीद बांधे हुए थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी देवभूमि आएंगे और उम्मीदों का पिटारा खोलेंगे, हमारी उम्मीदें पूरी होंगी, और उनकी उम्मीद को नाउम्मीदी में बदलते हुए देखने के लिए ये मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें कहना पड़ रहा है कि अफसोस है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनका यह धरना किसानों को समर्पित है। हमारा मौन व्रत गांधी को समर्पित है। सत्ता को सद्बुद्धि आए। दिल्ली में जो 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी खेती खतरे में है, जिनके परिवार खतरे में है, 600 लोगों ने अपनी शहादत दे दी है। काले कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर की लोकतांत्रिक अधिकार स्थापना के लिए उन किसानों को हमारा उपवास समर्पित है। ये आक्रोश उत्तराखंड की जनता का है, जिसे घोर निराशा हुई है, और ये किसानों का आक्रोश है जिनको घोर निराशा हुई है। ये आक्रोश एक शांतिपूर्ण मौन व्रत और भजन कीर्तन के द्वारा व्यक्त हुआ है, वो किसानों की उपेक्षा और यहाँ के नौजवानों की उपेक्षा हुई है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की उपेक्षा हुई है। इन सारी उपेक्षाओं के खिलाफ ये हमारा मौन व्रत और ये भजन कीर्तन का जो प्रोग्राम था वो था।